जैन जवारा चीफ सिग्नल ऑफिसर हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड पिन यहाँ पे दिया गया, उनकी ओर से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। आइए जानते हैं छोटे सी वीडियो के माध्यम से क्या वैकेंसी रहेगी क्या नहीं रहेगी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपको आपकी काम की खबर यहाँ पर मिलती रहेगी दोस्तों। तो यहाँ पे बेसिकली जो वैकेंसी निकाली गई है, अलग अलग टाइप की वैकेंसी आपको मिलेगी। मैसेंजर की है, उसके अलावा वाशरमैन की है, कुक की है, उसके अलावा CSBO की वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर बात करूँ वैकेंसीज की, तो टोटल जितनी वैकेंसीज है उसमें दो पोस्ट पूर्व सैनिकों के लिए है। ये दो पोस्ट हैं CSPO यानी कि सिविलियन सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर की वैकेंसीज आपको मिलेगी। ये वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए दो पोस्ट रखे गए हैं, यहीं पर आपको पूर्व सैनिकों का कॉलम मिलेगा। हेडक्वार्टर कमांड सिग्नल की ओर से वैकेंसीज है, इनके लिए बेसिकली जिन्होंने भी जो कॉर्पस ऑफ सिग्नल्स के हैं, जो ऑपरेटर ट्रेड के हैं दोस्तों, OPR ट्रेड के हैं, और जिनको कि PBX यानी कि प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज में काम करने का नॉलेज है, वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसेंशियल है। और यहाँ पर जो एज है, एज लिमिट बताई गई है, अलग अलग टाइप की यहाँ पे है। CSBO के लिए जो एज यहाँ पे दी गई है उसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं। हम लोग सभी के लिए आपको यहाँ पर 18 से 25 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। और एक्सेस मैन को जो आपने सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 साल की और यहाँ पर छूट दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफलाइन के माध्यम से वैकेंसी जाएगी। और आप लोगों को जो आपका लेटर है, आप सॉरी आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑफिसर इंचार्ज ईस्टर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट और विलियम कोलकाता 700021 इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन भेजना होगा दोस्तों। एप्लीकेशन का जो लिफाफा है उसके साथ सामान्य डॉक्यूमेंट भी आपको भेजने होंगे, और जो लिफाफा है उसके ऊपर लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पर है CSBO Grade 2 ही आपको लिखना होगा। पेपर वगैरह किस तरह से आएगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजने होंगे, जिसमें कि क्या क्या डिटेल्स है यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो इनवेलप सेल्फ एड्रेस की लिखी हुई है जिनमें कि 25 रुपये का स्टैंप लगा होगा वो आपको भेजने होंगे, जिससे कि वो आपको जब भी इसका टेस्ट होगा, जब भी कॉल लेटर के माध्यम से आपको बुलाया जाएगा, वो मैसेज उसके माध्यम से दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो भी वैकेंसी बताई गई मैंने, दो पोस्ट हैं जिसकी CSBO के लिए है, उसके लिए योग्यता बताई गई यहाँ पर कि मैट्रिक पास होना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए PBX का, प्राइवेट जो प्राइवेट एक्सचेंज बोर्ड है, और ये वैकेंसी CSBO के लिए रहेगी। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी Level 3 की 21,700 रुपये से, और जो भी आपको अन्य भत्ते हैं वो यहाँ पर दी जाएंगे। इसके लिए बेसिकली सिग्नल्स के जो ऑपरेटर ट्रेड है, उसके अलावा अन्य जो भी कॉर्पस के हैं, इन्फेंट्री के हैं, जिन्होंने PBX में काम किया है यहाँ पे, क्योंकि एक्सपीरियंस मांगा गया है अभी दोस्तों, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए पोस्ट ऑफ CSPO के लिए और 10th पास होना चाहिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ऑफलाइन के माध्यम से भरना है, और इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको आप टाइप भी करा सकते हैं यदि आपको ये ठीक नहीं लग रहा, या फिर इसी को आप अलग से प्रिंट करवा सकते हैं। इसको भेजना होगा आपको जो एड्रेस मैंने यहाँ बताया था इस एड्रेस पर दोस्तों। पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी होगी, नॉर्मल डिटेल्स है, कुछ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर फोटो भी लगानी होगी, आप फोटो लगाने के साथ साथ जो इसेंशियल है वो आपको यहाँ पर भेजना होगा। उसके अलावा जो रिटन टेस्ट होगा उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे पूछा जाएगा। वीडियो का लिंक, वीडियो के डिस्कशन में आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये थी वैकेंसी, आप फिर चाहें जय हिंद। पूरे भारत से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई स्टेट नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया।